अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ बुक उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन पे हमने ये ग्राफ ये जो सॉरी कम्प्लेक्स प्लेन पे हमने ये जो नंबर्स दिए गए इन्हें हमने ड्रॉ करना है। कम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं जिस तरह हमारे पास पहले का प्लेन था सेम उसी तरह ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले हमारे पास ये होता था एक्स एक्सिस, ये होता था वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, इस तरह से होता था ना। अब भी इसी तरह ही है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे रियल है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी और यहाँ पे रियल हमारे पास शो होंगे, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इन्होंने दिया हुआ 2 + 3 अलोटा, रियल पार्ट क्या है 2, वो रियल पार्ट जो होगा वो हम एक्स एक्सिस पे शो करवाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हम वाई एक्सिस पे शो करवाएंगे। इधर हमारे पास क्या है, रियल पार्ट 2 है तो हम यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएंगे 1 2, यहाँ पे आ गया। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 3 3 भी पॉजिटिव है तो ये इमेजिनरी पार्ट है वो इस पे आएगा वाई एक्सिस पे, 3 था तो हम यहाँ पे 1 2 3। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे ड्रा कीजिएगा, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों इस तरह से। ग्राफ पेपर पे ये बॉक्स वगैरह सारे बने होंगे, आप लोगों ने सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक हो गया। वो नंबर मतलब यहाँ पे आ गया 2 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, उसके लिए दूसरा ग्राफ होता है, मैं इसी पे ही ड्रॉ कर रही हूँ सारा। 2 + का है यहाँ पे आ गया और ये -3 मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव है, 3 इस तरफ आएगा 1 2 3, तो ये हमारा आ गया, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव नीचे होता है, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये दोनों कहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक हो गया। जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया को उसका जो रियल पार्ट है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिख करना है और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे लेना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट इसका क्या है, -2, तो -2 किस तरफ जाएगा, एक्स पे आना है, माइनस किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड पे, 1 2 यहाँ पे आ रहा है -2, ठीक हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या, -3, ये इमेजिनरी या माइनस नीचे की तरफ आएगा, -3 यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे आके मिल जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा -2 - 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट क्या है, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में -2 है, एक्स एक्सिस पे अगर रियल पार्ट -2 माइनस इस साइड पे आता है तो -2 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, +3, इमेजिनरी इस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे +3 है तो प्लस ऊपर की तरफ जाता है, +3 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -6। अब देखिए इसमें रियल पार्ट के दिए -6, रियल एक्सिस ये है, माइनस देखना है तो इस तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 3 4 5 6, 6 - 6 यहाँ पे आ गया। फिर उसके पास इमेजिनरी पार्ट इसमें दिया ही नहीं हुआ, मतलब वो 0 है, तो ये हमारे पास यहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट दिया ही नहीं हुआ, इमेजिन मतलब रियल पार्ट क्या है वो 0 ही है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 1, आयोटा का कोफिशिएंट जो है 1 है ना, तो पॉजिटिव 1 है, तो इमेजिनरी एक्सिस ये वाला है, 1 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ गया आयोटा, ठीक हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 7 वाला मैं बाद में करवाती, पहले 8 वाला देखें। 8 वाले में क्या दिया हुआ, रियल पार्ट -5, रियल पार्ट के लिए ये वाला एक्सिस देखना है, माइनस है तो इस ओरिजिन से इस साइड पे जाएंगे, -5 है, -5 आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या, -6, इमेजिनरी एक्सिस ये है, माइनस जो है वो नीचे की तरफ होता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो ये हमारे पास आपस में यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ आ जाएगा -5 - 6 आयोटा, ठीक हो गया। आगे आप 7 पार्ट करते हैं, 7 पार्ट में क्या है, 3/5 जो है हमारे पास 1 से छोटा होता है, ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब 1 से छोटी होगी वैल्यू, तो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, 1 यहाँ पे था तो ये हमारे पास कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा 3/5, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आयोटा कोफिशिएंट क्या है, -4/5,
आयोटा का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के लिए ये चाहिए माइनस, और रीजन से नीचे आएगा 4/5 वन से छोटा होता है तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, ठीक हो गया। ये हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे से शो करवा दिया, ये जो 3/5 माइनस 4/5 वो आयोटा इसे एक दफ़ा देख लीजिए, 9th क्लास में आप लोगों ने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 9 है, ये हमारे पास 0, 1, 2, -1, -2, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब रियल पार्ट है, 3/5, 3/5 देखिए, इस 3/5 जो दिया हुआ है इसके यहाँ पे कोई भी होल नंबर नहीं है और डिनोमिनेटर भी छोटा है, डिनोमिनेटर से कोई भी होल नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 से सॉरी तो ये यहाँ पे कोई भी नहीं है ना होल नंबर, तो मतलब हमारे पास होल नंबर कोई भी नहीं, हम 0 पे ही लेंगे, ठीक हो गया। प्लस दिया हुआ है तो हमने इसे इस साइड पे जाना है, इस साइड पे नहीं जाना, ठीक हो गया, हमने इस साइड पे जाना है। 3/5 डिनोमिनेटर क्या है 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें 5 पार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पार्ट हो गए, ऊपर क्या है 3, तो हमने 3 पार्ट्स ले लेने हैं, 1, 2, 3, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक हो, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे लगाया था, ठीक हो गया, वो छोटा था इसलिए ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। अब देखिए इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस ऐसे है, ये आ गया +1, ये आ गया -1, ठीक हो गया। -4/5 है, माइनस में है तो नीचे जाएगा, प्लस में होता तो ऊपर जाता, नीचे आएगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4/5 है ना, नीचे 5 है तो इसके 5 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक हो गया। ऊपर 4 है तो हमें 4 चाहिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये यहाँ पे था, यहाँ पे कहाँ पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, ठीक हो गया। जब आप लोग इसी क्वेश्चन को अकेले से करेंगे तो इसे इस तरह थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे तो छोटा छोटा सा मैंने रखा ना, इसे थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि 1 से छोटे ही रहना है ना, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास 1.3 का हो गया है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने 1.2 में भी ये सवाल किया था, दो मेथड थे, एक तो इसका रेसिप्रोकल लेके करते थे और दूसरा मेथड था कि हम इसमें उसमें फॉर्मूला यूज़ करते थे, इसे भी आप लोग रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हो और फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। पहले मैं इसे रेसिप्रोकल वाले मेथड से करवा दूंगी, फिर उसके बाद फॉर्मूले वाले मेथड से करवा दूँगी, जो आप लोगों ने मेथड करना उसे देख लीजिएगा। इसे लेट कर लेते हैं, जी इक्वल -3 आयोटा टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये हो जाएगा 1/z इक्वल, ये हो जाएगा 1/-3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसका रैशनलाइज करते हैं, यहीं पे रैशनलाइज करेंगे, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। आयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, आयोटा का साइन माइनस में है तो हम प्लस में लिखेंगे, +3 आयोटा से मल्टीप्लाई और +3 आयोटा से ही डिवाइड करेंगे, 3 आयोटा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आयोटा आ जाएगा, -3, 3 जा 9 आयोटा और आयोटा स्केयर आ गया। वैसे हम रैशनलाइज करते तो मैं कहती हूँ कि नीचे हमारे पास जो फॉर्म बनती है हमेशा a² - b² भी फॉर्म बनती है, लेकिन वो तब बनती है जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मौजूद हो, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट है, तो हम उसके लिए a² - b² भी फॉर्म नहीं बनेगी, सिर्फ तब बनेगी जब दो वैल्यूज होंगी। तो एक वैल्यू हो तो एक को एक से मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपली जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 6 बन जाता है, वैसे उसी तरह ही 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है 3 आयोटा / -9 आयोटा स्केयर, किसकी इक्वल होता है -1 के, ठीक हो गया। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये हमारे पास आगे ऊपर रह गया आयोटा और नीचे रह गया हमें माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3, 3 1 जा 3 तो ये हमारे पास आ गया आयोटा ओवर 3। इसमें रियल पार्ट हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1/3 है आयोटा, ये हमारे पास आ गया है जी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, -3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है 1/3 आयोटा, ठीक हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करती हूँ, सेकंड पार्ट में हमारे पास 1 - 2 आयोटा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/z
इक्वल वन ओवर वन माइनस टू आयोटा। ठीक हो गया, अब दो वैल्यूज आ गई है, रियल पार्ट भी और रैशनल और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन जाएगी। रैशनलाइज करेंगे मतलब आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का मतलब इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ताकि अगर हम इसे इसी प्रोसेस को बैकवर्ड लेके चलें तो ये आपस में कटिंग होगी, दोबारा से वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। वन प्लस टू आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी, वन प्लस टू आयोटा। नीचे ए स्केयर बी स्केयर वाली फॉर्म बनी, ए क्या है हमारे पास वन, ए का स्केयर माइनस अब बी का स्केयर लिखना है, बी हमारे पास क्या है टू आयोटा। ऊपर वाला डिनोमिनेटर हमेशा वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं हो रहा, उस वन से मल्टीप्लाई होना हमने कर दिया। वन का स्केयर वन आ गया, माइनस टू का स्केयर फोर आ गया, और आयोटा का स्केयर क्या आता है माइनस वन। ठीक हो गया, वन प्लस टू आयोटा ओवर वन माइनस माइनस प्लस फोर वन ज़ा फोर, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू आयोटा ओवर फोर और वन फाइव। अब रियल और इमेजिनरी को लैदा लैदा कर देंगे, वन ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव आयोटा, ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया किसका, वन माइनस टू आयोटा का रेसिप्रोकल है वन ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव आयोटा, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया, मतलब अगर हमने इसे जी इक्वल ऐड किया तो ये जी इनवर्स इसका ये हमारे पास आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, इसे रिमूव करें। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो हमने लेट करना है जी वो कौन सी चीज़ है हमारे पास, माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा। ठीक हो गया, रेसिप्रोकल लेंगे वन ओवर जी, वन ओवर माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा। रैशनलाइज करना है तो सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज होगा, मतलब ये फाइव आयोटा माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा प्लस फाइव आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से ही डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, अब इसे जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, किसी भी चीज़ को वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही रहता है, प्लस फाइव आयोटा ओवर। नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन गया, ए हमारे पास माइनस थ्री है और बी हमारे पास फाइव है, माइनस थ्री का स्केयर माइनस फाइव आयोटा का स्केयर, बी फाइव आयोटा है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव आयोटा ओवर थ्री का माइनस थ्री का स्केयर क्या आ जाएगा नाइन, क्योंकि माइनस जो स्केयर की वजह से प्लस हो जाता है, माइनस फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव और आयोटा का स्केयर क्या आता है माइनस वन। ये हमारे पास माइनस थ्री प्लस फाइव आयोटा ओवर नाइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ट्वेंटी फाइव को वन से करेंगे ट्वेंटी फाइव आ गया, माइनस थ्री प्लस फाइव आयोटा ओवर ट्वेंटी फाइव में नाइन ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्टी फोर आ जाएगा, हमारे पास आ गया थर्टी फोर। अब इसे लैदा लैदा करके लिखते हैं, माइनस थ्री ओवर थर्टी फोर प्लस फाइव ओवर थर्टी फोर आयोटा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा का। ठीक हो गया, इसी मेथड से आगे हम फोर्थ वाले को करेंगे। फोर्थ वाले में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है वन टू, वन कोमा टू, मतलब रियल पार्ट इसका वन है और इमेजिनरी पार्ट इसका टू है, ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस टू आयोटा। जब हम ऑर्डर पेयर में दिया उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम किस तरह लिखते हैं, कोमे को हटा देते हैं और उसकी जगह आयोटा लिख लेते हैं, तो ये वन प्लस टू आयोटा बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वन ओवर जी इक्वल वन ओवर वन प्लस टू आयोटा, ओवर में आ जाएगा। हम रैशनलाइज करेंगे वन माइनस टू आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, वन माइनस टू आयोटा, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन माइनस टू आयोटा ओवर, नीचे ए स्केयर बी स्केयर वाली फॉर्म बन जाएगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म। ए हमारे पास क्या है वन और बी क्या है टू आयोटा, वन माइनस टू आयोटा ओवर वन का स्केयर वन आ गया, माइनस टू का स्केयर फोर, आयोटा का स्केयर क्या आता है माइनस वन। ठीक हो गया, वन माइनस टू आयोटा ओवर वन, माइनस माइनस हो गया प्लस, फोर वन ज़ा फोर, फोर और वन कितने होते हैं फाइव, ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो वैसे ही रहेगा, फोर और वन फाइव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे लैदा लैदा कर देंगे, वन ओवर फाइव माइनस टू ओवर फाइव आयोटा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है वन कोमा टू का। ठीक हो गया, इसे मैंने रेसिप्रोकल वाले मेथड से करते हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं फॉर्मूले वाले मेथड से करती हूँ। ठीक हो गया, फॉर्मूले वाले जो मेथड है उसमें सिर्फ हमने फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो ही पुट करनी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है माइनस थ्री आयोटा। ठीक हो गया, इसके लिए आप देखें ए पहले फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला हमारे पास है ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर फॉर्मूले वाले मेथड से आप लोगों ने इनवर्स फाइंड करना है उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा, ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। ए किसकी इक्वल है इसमें देखना सवाल में, रियल पार्ट तो है ही नहीं तो ए जीरो की इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट बी होता है, बी किसकी इक्वल है आयोटा का कोफिशिएंट जो होगा उसे कहेंगे वो माइनस थ्री है, तो बी माइनस थ्री, अगर ए की जगह जीरो और बी की जगह माइनस थ्री इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जीरो ओवर जीरो का स्केयर प्लस
माइनस थ्री का स्केयर, सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ इसमें और कुछ भी नहीं हो रहा। माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस थ्री ओवर जीरो का स्केयर प्लस माइनस थ्री का स्केयर। ये ऊपर जीरो, जिसने इस सारे को जीरो कर देना, मैं डायरेक्ट जीरो ही लिख रही हूँ। माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, जीरो का स्केयर जीरो, माइनस थ्री का स्केयर क्या आता है नाइन। तो ये थ्री वन सर थ्री, थ्री थ्री सर नाइन, तो ये हमारे पास जीरो कोमा वन ओवर थ्री आ गया। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो वन ओवर थ्री आयोटा, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है वन माइनस टू आयोटा, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए क्या है हमारे पास वन, बी में इमेजिनरी पार्ट आना, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है माइनस टू, ये इसमें पुट कर देंगे। वन ओवर वन का स्केयर प्लस माइनस टू का स्केयर, माइनस बी की वैल्यू माइनस टू है, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस टू, ये वैल्यूज पुट की हैं हमने सिर्फ। वन ओवर वन का स्केयर वन प्लस माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो जाता है, टू का स्केयर फोर आ गया। माइनस माइनस प्लस टू और वन प्लस फोर, डिनोमिनेटर दोनों सेम ही होंगे क्योंकि वो नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। वन ओवर फोर ओवन फाइव आ गया, टू ओवर फोर ओवन फाइव आ गया। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर फाइव अगर आयोटा के फॉर्म में लिखे तो प्लस टू ओवर फाइव आयोटा, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस फाइव। ए की वैल्यू रियल पार्ट होता है, बी की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इसमें पुट कर देंगे। माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री का स्केयर प्लस माइनस फाइव का स्केयर कोमा माइनस इंटू माइनस फाइव ओवर माइनस थ्री का स्केयर प्लस माइनस फाइव का स्केयर। ये माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री का स्केयर नाइन आ जाएगा और माइनस फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, ये नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने कोमा ज़रूर लगाना है। माइनस थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव और नाइन थर्टी फोर, फाइव ओवर थर्टी फोर, ठीक हो गया। ये आंसर आ गया। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस थ्री ओवर थर्टी फोर प्लस फाइव ओवर थर्टी फोर आयोटा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में ए जो है वन है और बी जो है टू है हमारे पास, ठीक हो गया। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ए की जगह वन पुट कर देंगे और बी की जगह हम टू पुट करेंगे। इसी फॉर्मूले में वन ओवर वन का स्केयर प्लस बी की जगह टू पुट करना है, टू का स्केयर कोमा माइनस टू ओवर वन का स्केयर प्लस टू का स्केयर। ये आ गया वन ओवर वन का स्केयर वन, टू का स्केयर फोर, माइनस टू वन का स्केयर वन और टू का स्केयर फोर। ये आ गया वन ओवर फाइव कोमा माइनस टू ओवर फाइव। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं वन ओवर फाइव माइनस टू ओवर फाइव आयोटा, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है और जो थर्ड क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।